कि भाव पूजा में और द्रव पूजा में कौन सी पूजा में पुण्य अधिक होता है? यदि हम आवश्यकता अनुसार अष्टद्रव से पूजा करें और शांतिनाथ विधान भाव पूजा के रूप में कर लें तो उसमें विधान का पुण्य लगेगा या नहीं? सबसे बड़ी भूल हो रही है कि द्रव्य पूजा और भाव पूजा को लोग अलग अलग मान रहे हैं। द्रव्य और भाव पूजा दोनों का अविना भाव संबंध है। जहाँ भाव पूजा है वहाँ द्रव्य पूजा होगी ही होगी। हाँ, द्रव्य पूजा होने पर भाव पूजा हो, ये कोई नियम नहीं है। द्रव्य और भाव को अलग अलग मत मानो। हमारे यहाँ द्रव्य पूजा को भावपूर्वक करो ये कहा है, ना कि ये कहा कोई द्रव पूजन कर ले कोई भाव पूजन कर ले, कभी द्रव पूजन कर लो कभी भाव पूजन कर लो, ऐसा नहीं होता। जैसे मुनि महाराज का भावलिंग और द्रव्य लिंग एक साथ है, ऐसा नहीं कोई मुनि महाराज भावलिंग लेने में और मुनि नहीं बने, दिगंबर भेष धारण नहीं करे, तो ऐसा नहीं है। भाव और द्रव्य पूजा दोनों का अभिनव भाव संबंध है। जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ नियम से अग्नि है, और जहाँ जहाँ अग्नि नहीं है वहाँ वहाँ धुआं भी नहीं। जहाँ जहाँ भाव पूजा है वहाँ वहाँ द्रव्य पूजा नियम से है, और जहाँ जहाँ द्रव्य पूजा नहीं है वहाँ वहाँ भाव पूजा भी नहीं है, ऐसा संबंध बैठा लो। जहाँ द्रव्य पूजा नहीं है वहाँ भाव पूजा हो ही नहीं सकती, और जहाँ भाव पूजा है वहाँ द्रव्य पूजा नियम से है, ऐसा अन्वय व्यतिरेक बैठाना चाहिए।